प्रदेश के साथ महोबा में भी सपा कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही जिले के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेशव्यापी आंदोलन को लेकर सुबह से ही पुलिस और प्रशासनिक महकमा अपनी चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए था, मगर धीरे धीरे बढ़ती सपाइयों की भीड़ और पुलिस प्रशासनिक तंत्र पर वह भारी पड़ती नजर आई। शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सपाइयों ने अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन करने के बाद सड़कों पर उतरकर हाथों में तख्तियां लेकर वह तहसील की तरफ जा पहुंचे। सदर तहसील में एसपी सुधा सिंह और एडीएम आरएस वर्मा के समक्ष सपाइयों ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति संबोधित एक ज्ञापन एडीएम को दिया है। इस प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने दौड़ दौड़ कर पुलिस प्रशासन को जमकर छकाया, यही नहीं पुलिस से उनकी झड़प भी देखने को मिली है। पुलिस प्रशासन हमें यही ज्ञापन लेना चाहता था रोक के आला चौक पर। हमने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि तहसील में जाके एसडीएम को ज्ञापन दें। इसमें आप लोगों ने भी देखा पुलिस ने कितनी तानाशाही की, लेकिन पुलिस की तानाशाही के आगे समाजवादी पार्टी के लोग झुकना नहीं जानते हैं और नहीं झुके नहीं, और जाके तहसील में ज्ञापन दिया है। ये पुलिस पूरी तरीके से इस सरकार के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, दो दिन पहले की घटना है कि एक भाजपा का विधायक कोतवाल साहब की कुर्सी में बैठकर और एसीपी साहब आए तो उसने खड़े होकर ना तो उनका सम्मान किया और एसीपी साहब भी उसके बगल की एक साइड कुर्सी में बैठे और उसने पूरे थाने को पूरे पुलिस प्रशासन को किस तरह से अपने हाथों में उंगलियों में नचाया और पुलिस प्रशासन उसके आगे एकदम कठपुतली की तरह हाँ हुजूरी करती रही। पूरे देश की जनता देख रही है ये भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं और इनकी पुलिस क्या कर रही है। पुलिस इनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन देने तहसीलों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, उसी के तहत इन लोगों ने तहसील में आके शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया और इनका ज्ञापन हम लोग राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, वहां हम लोग इसको पहुंचा दें। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।